हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ आरपी रिचवेयर द फुटवेयर सॉल्यूशंस में। इस चैनल पे आपको मिलेंगे फुटवेयर रिव्यूज एंड फुटवेयर अपडेट्स। आज का जो मैं रिव्यू करने वाला हूं, मैंने स्पार्क्स ब्रांड के सैंडल मंगाए, ठीक है, जिसका आर्टिकल नंबर है SS520, उसकी MRP है 1399 और ये बेसिकली अमेजोन पे 1000 रुपए के आसपास मिल रहा था, ठीक है। तो अगर आपका बजट 1000 रुपए के आसपास है ना, और अगर आप स्पार्क्स ब्रांड में कोई सैंडल ढूंढ रहे हो, तो भाई मानो मेरी बात, ये थोड़ा प्रीमियम रेंज है तो डेफिनेटली ये अच्छा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने अब तक काफी सारे स्पार्क्स ब्रांड के सैंडल्स को अनबॉक्स किया है और बहुत ज़्यादा आर्टिकल बहुत अच्छे अच्छे ही थे बेसिकली। तो मैंने सोचा कि मंगाते और इसे रिव्यू करते हैं, ठीक है। आ जाओ गाइस, फटाफट देख लो, ये बेसिकली मुझे इस कंडीशन में आया है यहाँ पे ये स्पार्क्स का, फटाफट रिव्यू करते हो, देखते हैं क्या 1000 रुपये में ये सैंडल लेनी चाहिए या नहीं, ठीक है। आ जाओ। सो गाइस, बेसिकली ये इस तरीके से कुछ पैकिंग आई है मेरे पास यहाँ पे अमेजोन से, ठीक है, 1000 रुपये के आसपास। क्या ये सैंडल जस्टिफाइड है या नहीं, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी चूहे ने काट लिया ऐसा लग रहा है। चूहे ने नहीं काटा गाइस, मैंने ही खोल के देखा था इसके अंदर क्या है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू चेक कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट है रिव्यू के लिए। तो ये मैंने अभी इसे खोल दिया है, ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे गाइस, ये मैंने यहाँ पे खोल दिया है इसे। स्पार्क्स, मैंने स्पार्क्स से काफ़ी सारे सैंडल्स को अनबॉक्स किया है, ठीक है। तो अगर आपको स्पार्क्स में और भी किसी सैंडल के बारे में अगर जानकारी चाहिए ना, तो यू कैन गो एंड चेक माई सैंडल प्लेलिस्ट, ठीक है। तो गाइस, इसके हम अनबॉक्स करते हैं। बिफोर अनबॉक्सिंग गाइस, स्पेसिफिकेशन चेक कर लेते हैं, डिटेल चेक कर लेते हैं। यू कैन चेक आउट ये SS520 डी ग्रे नियॉन ऑरेंज, अभी एन का मतलब नियॉन है क्योंकि मैंने इसके वेबसाइट पे देख लिया था बेसिकली। और ये कब की मैन्युफैक्चरिंग है, मार्च 2021, ठीक है, मतलब लेटेस्ट प्रोडक्ट ही है। 1399 MRP है इसकी। बॉक्स वॉक्स ठीक है, टकाटक बॉक्स बॉक्स के बारे में बात करें, टाइम वेस्ट नहीं करना गाइस, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिव्यू वीडियोज़ में देखा है, वो बॉक्स के बारे में ही कम से कम काफ़ी टाइम ले लेते गाइस। अब यहाँ पे निकल रहा है हमारा स्पार्क्स ब्रांड का सैंडल, हम देखेंगे इसके साथ कंपनी क्या क्या देती है। यो वी आर गेटिंग दिस, ये कपड़े की बैग स्पार्क्स की, ठीक है, तो आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको भी मिल जाएंगी, ऑफलाइन लोगे तो ऑफलाइन भी आपको मिल जाएंगी, सबके साथ मिलती है ये थैली, ठीक है। तो एज दिस कैन चेक आउट ये गाइस, ये मैंने यहाँ पे खोल दिया है सैंडल्स, ठीक है। दीज आर दी सैंडल्स जो कि 1000 रुपये के सैंडल्स है स्पार्क्स ब्रांड के, और आप मानो मेरी बात, द फर्स्ट इम्प्रेशन आफ्टर सीइंग दिस, मतलब भाई ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, आप मानो मेरी बात, बहुत ज़्यादा प्रीमियम। ये जो कॉम्बिनेशन दे आर गिविंग, ये ऑरेंज डार्क ग्रे ग्रे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब हाँ 1000 रुपये का अगर मैं लूँ तो मुझे पहले दफ़ा जब मैं देखूंगा इसे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। गाइस, सबसे पहले मैं इसकी ब्रांडिंग की बात कर लेता हूँ, हाँ अपार्ट फ्रॉम ब्रांडिंग पहले लुक दिखा देता हूँ गाइस आपको। 1000 रुपये का सैंडल है भाई, लुक देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला आपको, ठीक है। इफ़ यू आर प्लानिंग आउट फॉर परचेज, आप प्रॉपरली वीडियो देखना भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ स्किप कर दो फिर आप बोलो कि यार रंजीत भाई आपने तो यार ये गलत बताया या आपने ये नहीं बताया, ठीक है। ये बेसिकली कंप्लीट लुक है गाइस, इसका ब्रांडिंग देख लेंगे कहाँ कहाँ ब्रांडिंग है। ये चेकआउट किया गाइस, यहाँ पे आपको स्पार्क्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे रेगुलर टैग जो स्पार्क्स के है वो, इसमें ऐसा क्या अलग है बेसिकली मेरे को ये देखना, अगर ये 1000 रुपये का भी है ना तो आई जस्ट वॉन्ट टू चेक इसमें क्या ऐसा एडिशनल है, ठीक है। यू कैन चेकआउट किया गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म ग्रीप आउटसोल, ठीक है, यूनिक ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, चलो समझे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है स्किट रेजिस्टेंट, ठीक है यार, सैंडल वैंडल जनरली जो लेते हैं ना अपन तो वो स्किट रेजिस्टेंट ही होते हैं, मतलब उसमें स्लिप व्लिप नहीं करते डेफिनेटली, ठीक है। और यहाँ पे ब्रांडिंग कहाँ पे आपको मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे यू कैन चेक आउट ये, यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन रजिस्टर्ड किया हुआ है, डिज़ाइन रजिस्टर्ड तो ठीक है, अपने को क्या करना उससे। यू कैन चेक आउट ये गाइस, यहाँ पे आपको स्पार्क से ब्रांडिंग मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा पूरे पैर पे यहाँ पे अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे ना, तो देयर इज़ समथिंग थोड़ा अलग कुछ देखने मिल रहा है गाइस। आप देखो यहाँ पे, हाँ क्या देखने मिल रहा है, स्पार्क्स SS520 साइज डिटेल यहाँ पे, सबसे बड़ी बात मेड इन इंडिया जय हो, ठीक है। यहाँ पे फैब्रिक से ये जो भी ये डिटेल दिया हुआ है 1399 इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, ठीक है, चलो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री। अब गाइस, मैं इसके अगर अपर की बात करूँ ना गाइस, तो यहाँ हमें देख सकते हैं ना, यहाँ पे हमको निवार मिल जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, निवार मिल जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे ये मटेरियल को भी क्या बोलते हैं मेरे भी ध्यान में नहीं है बेसिकली, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है गाइस, आप मानो मेरी बात, ये मतलब मटेरियल दिखने में इतनी स्ट्रेंथ आ रही है ना इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा टफ लुक आ रहा है भाई, कि 1000 रुपये में अगर हम लेंगे ना तो भाई बहुत मज़ा आएगा, ऐसा लगेगा कुछ कि हाँ भाई कुछ चीज़ ली है अपन ने, ठीक है। वेल्क्रो वगैरह भी देखेंगे ना गाइस, तो वेल्क्रो में यू कैन चेक आउट ये स्पार्क्स का खुद का लोगो है यहाँ पे, खुद की ब्रांडिंग है उनकी। वेल्क्रो की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, यू कैन चेक आउट, आपको आवाज़ आ रही होगी कर रख कर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ पे डिज़ाइन अगर आप देखेंगे ना अपर की, ये यहाँ पे देखो आप, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ रहे हो ना, कोई चीज़ अगर मैं 1000 रुपये की स्पार्क्स में ले रहा तो डेफिनेटली बात आपको प्रीमियम चीज़ ही मिलनी है गाइस, बिकॉज 700-800 रुपये में ठीक है एवरेज पैटर्न्स आपको मिल जाती है। यू कैन चेकआउट ये गाइस, पीछे की तरफ यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर की निवार एक और स्ट्रिच की गई है,
यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो कुछ एक यूनिक सा दिखता है, यूनिक मतलब थोड़ा अलग दिख रहा है। यहाँ पे आप पता है आपको चैन वगैरह की जो चैन होती है ना वैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली, ठीक है। ये चैन कहीं भी तरीके से बंद नहीं होनी है, लेकिन ऐसे एक डिज़ाइन दिया हुआ है पीछे की तरफ, यहाँ पे भी एक लोगो दिख जाएगा आपको, ठीक है। रही बात कंफर्ट की, अगर मैं देखूँ ना गाइस, तो यहाँ पे साइड वाइज अगर मैं अपर की बात करूँ, हाँ गाइस यहाँ पे आपको एक एक कुशनिंग लेयर दी हुई है, ठीक है। अब डेफिनेट सी बात है भाई, 1000 रुपये का सैंडल है, कुशनिंग नहीं दोगे क्या? देनी पड़ेगी ना भाई, बस क्या। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अपर पे यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये जो स्कूल टाइम पे जो बैग पहनते थे ना अपन, वो उस तरीके का क्लिप मिल जाता है यहाँ पे। आप ये देखो टक टुक इस तरीके से यहाँ पे क्लिप मिल गया। और गाइस यहाँ पे ऐसे एडजस्टेबल यहाँ पे भी दी हुई है, ये क्लिप के अंदर से ही यहाँ पे एडजस्टेबल गई हुई है, ठीक है। तो कम ज़्यादा भी करना हो आप इजीली कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। रही बात अगर मैं सोल की बात करूँ ना गाइस, तो सोल यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं नज़दीक से, तो यहाँ पे गाइस ये ग्रे और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। ऑरेंज भी कैसा है ना, ये नॉर्मल ऑरेंज नहीं है गाइस, जैसे कि आप देखिए नियॉन ऑरेंज है, समझ रहे हो। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा एक स्पोर्टी लुक तो आ जाता है गाइस। आई अंडरस्टैंड कैमरे में आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, बट मैं यहाँ पे लाइट कम कर देता हूँ थोड़ी सी यहाँ पे, और आई चेकआउट हियर इफ यू कैन मेक आउट यहाँ पे। हाँ अभी आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ रहा है ऑरेंज कलर की। रही बात मैं ग्रिप दिखा दूँ आपको नज़दीक से गाइस, तो ये सोल की ग्रिप बहुत ज़्यादा लाजवाब है, आप मानो मेरी बात, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है यार। मतलब ये फाइलॉन सोल जो है ना इनका, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है। मतलब डेफिनेटली स्केट विट डेफिनेटली नहीं करेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन चेकआउट ये गाइस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एयर जोन, ठीक है। एयर जोन है तो ठीक है, कम्फर्ट अम्फर्ट वाइज भी, मतलब अब ये बेसिकली बहुत दफ़ा क्या होता है ना कि जस्ट के वो सैंडल को या वो शूज़ को थोड़ा लाइट वेट करने के लिए थोड़ा एडिशनल कम्फर्ट मिले जब पैर रखें यहाँ पे, बिकॉज इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे डेफिनेटली बात है, यहाँ पे गैप आ जाती है बीच में, ठीक है। गैप मतलब आई डोंट नो कितनी डीप गैप है, पर वो जितनी भी गैप है उससे क्या होता है कि जब यहाँ पे पैर रखते हैं ना अपन ऊपर की तरफ, तो यहाँ डेफिनेट सी बात है वो गैप में वो बाउंसिंग फैक्टर एक मिलता है अपने को, जिसके वजह से आपको डेफिनेट सी बात थोड़ा अच्छा कुशनिंग और अच्छा कंफर्ट मिलता है गाइस। रही बात गाइस अगर मैं इस बॉटम ईवा की अगर बात करूँ ना, ये वाली ईवा की, तो भाई मानो मेरी बात बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है यार। मतलब बहुत टफ है, मतलब मैं हमेशा टफ ही यूज़ कर रहा हूँ ये वीडियो में, बिकॉज उतना है भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको मैं दबा रहा हूँ यहाँ पे, और जो ऊपर से आ रहा है ना बाउंसिंग, मतलब ये ऐसा लग रहा है ना भाई अगर मैं इसे ले लूँ ना तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल साबित होने वाली है गाइस, आप मानो मेरी बात। लुक वाइज डेफिनेटली मैं इसको 10/10 दे सकता हूँ यार, मतलब मेरे को ये इतना ज़्यादा मज़ा आया, मतलब जब मैंने इसे हाथ में लेके देख रहा हूँ ना, मैं फील ले रहा हूँ ना, ये सैंडल का गाइस रेगुलर वेट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी है या बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, एक रेगुलर वेट है, ये वेट के ही सैंडल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब गाइस इसको फटाफट पहन के देखेंगे और देखेंगे क्या इसका लुक और कंफर्ट कैसा है, साइज फिटिंग विटिंग कैसा है, मेरा 8 नंबर है बेसिकली, तो लेट्स चेक आउट, ठीक है। आ जाओ ये गाइस यहाँ पे मैंने इसे पीछे रख दिया है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खोल देता हूँ यहाँ पे, वेलक्रो बहुत टफ है भाई, मानो मेरी बात, थोड़ा सा लूज कर लेता हूँ, मेरे को थोड़ी सी वो टाइट लग रही है गाइस, लूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने पहन लिए यहाँ पे, एक ही एक बात है ना कि बक्कल की वजह से थोड़ा लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा है सैंडल का, समझे मेरी बात, मतलब थोड़ा लग रहा है कि भाई कलाकार की हुई है इसमें, ठीक है। ये गाइस मैंने पहन लिया यहाँ पे, सो गाइस यू कैन चेक आउट हियर गाइस, 8 नंबर का पैर है, एकदम परफेक्टली आया है, ठीक है। कहीं पे भी कोई साइज वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है, और लुक वाइज तो भाई आप मानो मेरी बात बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। ये कलर जो है ना ग्रे और नियॉन का, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चल के देख लेंगे गाइस कि आपको चल के कैसा फील आ रहा है इसमें, मतलब हाँ काफ़ी एक सेटिस्फैक्ट्री है गाइस, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कुछ और लग रहा है, अनकम्फर्टेबल लग रहा है, थोड़ी यहाँ पे टाइट हो रही है, इसको लूज कर लेता एक बार। अब इस चल के देखते हैं वापस एक बार। हाँ गाइस काफी सेटिस्फैक्टरी है, जो बॉटम हीवा भी है उसमें अच्छा एक बाउंसिंग फैक्टर है, और आप रेगुलर जो यूज करोगे ना रफ एंड टफ, मानो मेरी बात, यू वोंट गेट डिसअपॉइंटेड गाइस, आपको बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलने वाला है। सो गाइस आप मानो मेरी बात, मैंने पहन के भी देखा है इसे, और बहुत ज्यादा अल्ट्रा ड्यूरेबल साबित होने वाला है, बिकॉज जो क्वालिटी है ना अनमैच्ड क्वालिटी यार, 1000 रुपये अगर आप देखे कुछ चीज़, अगर स्पार्क्स जैसे ब्रांड की ले रहे हो ना, तो स्पार्क्स आपको डेफिनेटली धोखा नहीं देता है गाइस, एंड यू विल रियली फील सेटिस्फैक्ट्री कि हाँ भाई कुछ मंगाया तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको मिला है। इस तरीके से गाइस मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ मेरे इस चैनल पे, अगर आपको ये रिव्यू वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प अगर हुई है ना गाइस, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ये वीडियो जो कि प्लान आउट कर रहे हैं सैंडल खरीदने के लिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो यार। मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन 90% से 95% तक जो वॉच टाइम है ना भाई, वो जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे ना वो लोग दे रहे, आप समझ रहे हो। अगर मेरे चैनल पे अगर 5000 व्यूज़ आ रहे, सपोज एक एवरेज दिन के, अब मानो मेरी बात 92% बहुत होता है उसमें गाइस, अगर आप सब लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो यार आप मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दोगे यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करके जाना गाइस, ठीक है, लव यू गाइस।